नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही अपने सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों को वापस लाने में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। भारत के मंदिरों से चोरी कर विदेशों में ले जा चुकी मूर्तियों आदि को लगातार वापस लाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्षों पुराना भारत का खजाना लौटाया है। ये खजाना हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों का है, जो केंद्र सरकार के प्रयासों से फिर भारत में आ गया है। आइए आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन सी मूर्तियां वापस आई हैं और ये कैसे संभव हुआ। हमारे देश की अनूठी मूर्तियों के निर्माण की परंपरा सदियों पुरानी है। इनकी कारीगरी और पौराणिक महत्व के चलते ही तस्कर इनको चुराते रहे। बड़ी संख्या में मंदिरों आदि से मूर्तियों को चुराकर विदेशों में बेच दिया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इनको वापस लाने के प्रयास शुरू हुए। पिछले दिनों पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था, पूर्व की सरकारों ने इनको केवल कलाकृति समझा, जबकि न मूर्तियों में भारत की आत्मा का और आस्था का अंश है। बीते 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत लाया गया। आपको वो समय भी याद होगा जब हमारे यहाँ आए दिन प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां चोरी होने की खबरें आती थी। हमारी कलाकृतियां बेधड़क विदेशों में स्मगल होती थी। भारत की उन धरोहरों को वापस लाया जा रहा है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 29 बहुमूल्य मूर्तियां लौटाई हैं। मूर्तियां लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर इनका अवलोकन किया। इनमें शिव और उनके शिष्य, शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु और उनके रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी मूर्तियां शामिल हैं। ये पुरावशेष 9वीं या 10वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। ये मूर्तियां बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांसे, पीतल और कागज से बनी हैं। इनमें कुछ पेंटिंग्स भी शामिल हैं। भारत में बड़े हिस्से को कवर करते हुए ये प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल से हैं। अब भारत विदेशों से अपनी अन्य धरोहरों को वापस लाने का प्रयास कर रहा है।